इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में जो हमारा यूनिट चल रहा था गियर टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का, तो उसी के यूनिट में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परकिंसंस गियर टेस्टर। तो देखिए, जो गियर टेस्टिंग के बारे में हमने पहले भी कई सारे टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी ली, कई तरीके हमने देखे कि किन किन तरीके से हम किसी भी गियर को परफेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका प्रॉपरली हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली गियर जो रहता है ये पावर ट्रांसमिशन का काम करता है, या स्पीड को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का काम करता है, यानी स्पीड को इंटेंसिफाई या डाइवर्सिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो गियर जो है उसमें बहुत सी त्रुटियाँ होती हैं, जैसे कभी किसी गियर्स में टूथ प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से गियर्स में क्या होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत से उसकी जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें बहुत से फॉल्ट्स, बहुत से मिस्टेक्स। बहुत से मिस्टेक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पर्किंसंस गियर टेस्टर जो ये सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये इसमें हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये बेसिकली इसमें एक मास्टर गियर रहता है और एक ऐसा गियर जो हमारा वर्क पीस रहता है, या कहना चाहिए जिस गियर की हमें इंस्पेक्शन करनी है वो गियर को हम मास्टर गियर के साथ में क्या करते हैं, एंगेज कर देते हैं। और उन दोनों को हम एंगेज करने के बाद में क्या करते हैं, मास्टर गियर को हम स्लोली हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में जो हमारा वर्क पीस या जो हमारा जिस गियर की हमको इंस्पेक्शन करनी है वो भी गियर क्या होता है, रोटेट होता है। और किसी भी जगह पर जब भी हमें कुछ अनयूनिफॉर्म या इररेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये डायल इंडिकेटर भी इस मास्टर गियर और टेस्टिंग गियर दोनों के साथ में कनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है, और ये तुरंत हमें इन्फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर कि कहाँ पर ये अनयूनिफॉर्म है, कहाँ पर ये इररेगुलर है। तो इसी के माध्यम से हम किसी भी गियर का हम टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल स्पर गियर या हेरिंग बोन गियर या वॉर्म गियर या हेलिकल गियर का ही हम इस्तेमाल, जितने भी प्रकार के गियर्स हैं हम सभी प्रकार के गियर्स का इसमें इंस्पेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए, हम इसके बहुत से और भी डायग्राम्स अवेलेबल हैं, उन सब डायग्राम्स के माध्यम से भी हम थोड़ा और अच्छे से और ज़्यादा रिजॉल्व तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है पर्किंसंस गियर टेस्टर। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को जस्ट ए मिनट, ओके तो देखिए यहाँ पर ये जो है दूसरा, देखिए पर्किंसंस का ये दूसरा डायग्राम है जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि ये एक मास्टर गियर है और ये वाला जो गियर है जिसमें कि हमें जिसको कि हमें टेस्ट करना है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, जॉब गियर या वर्क पीस गियर भी हम बोल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्या, डायल इंडिकेटर। तो ये डायल इंडिकेटर क्या करेगा कि अगर गियर में कहीं पर भी अनयूनिफॉर्म या इररेगुलरिटी रहेगी तो उसे ये आइडेंटिफाई करके हमें जानकारी देगा कि किस जगह पर, किस स्थान पर हमें प्रॉब्लम देखने को दिख रहा है। अब दूसरा हम डायग्राम देखते हैं, ये देखिए ये तीसरा डायग्राम है परकिंसंस गियर टेस्टर का। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, ये मास्टर गियर है, ये गियर अंडर टेस्ट है। देखिए दो गियर आपस में क्या है, एंगेज हैं, और ये क्या है, मूवेबल फ्लेंज है, मतलब ये मूव करता है। जैसे मान लीजिए गियर छोटा है तो ये फ्लेंज को हम क्या करेंगे, और ज़्यादा क्लोज लेकर के जाएंगे। अगर गियर छोटा है तो हम इसे नज़दीक लेकर के जाएंगे, और अगर गियर का साइज अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, फ्लेंज को थोड़ा दूर हम रखेंगे। तो अब इसके आधार से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यहाँ पर देखिए स्केल लगा हुआ है ना, ये परकिंसंस गियर टेस्टर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से देखिए बेस बना हुआ है। और ये हो गया मूवेबल फ्लेंज, ये हो गया गियर अंडर टेस्ट, ओके, ये हो गया मास्टर गियर, और देखिए यहाँ पर फुली सेटिस्फैक्ट्री है। ये अगर इस प्रकार का, अगर ये हमें छवि दिख रहा है, इस प्रकार का अगर इमेज दिख रहा है, तो मतलब कि जो हमारा
गियर अंडर टेस्ट है वो क्या है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सही सेफ साइज में है। और अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, मॉडरेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका मतलब जो गियर अंडर टेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं इररेगुलरिटी फॉल्टी उसमें अवेलेबल है। और अनसेटिस्फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार से, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि फुली सेटिस्फैक्ट्री में इस प्रकार से एक यूनिफॉर्म हमें लाइन देखने को, सर्कल देखने को मिलेगा, बाकी अनसेटिस्फैक्ट्री में इस प्रकार से हमें देखने को मिल सकता है। तो यही है पर्किंसन साइकिल्स। देखिए अगर गियर अगर प्रॉपरली अगर रोटेट हो रहा है तो ये जो मूवेबल फ्लेंज है मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट रहेगा। तो जो ये डायल इंडिकेटर है वो भी क्या रहेगा, एज इट इज अपने पोजिशन पर रहेगा। पर जैसे ही ये गियर अगर आगे या पीछे जो भी होता है, तो देखिए यहाँ पर एक निडल किस्म का लगा हुआ है जो कि डायल इंडिकेटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये डायल इंडिकेटर क्या करेगा, उसे उसे आइडेंटिफाई करके फिर ये बताएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ इरर है, यहाँ पर कुछ इररेगुलरिटी हमें देखने को मिल रही है, जिस भी लोकेशन पर हमें देखने को मिले। तो ये डायल इंडिकेटर का जो नेडल है ये डायरेक्टली मूवेबल फ्लेंज से अटैच है, और किसी भी जगह पर ये फ्लेंज अगर आगे पीछे होता है तो ये डायल इंडिकेटर भी हमें क्या करेगा, शो करेगा। अब देखते हैं आगे, ये देखिए ये भी एक पर्किंसन साइकिल का ही एक फोर्थ नंबर का ये डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। लिखा हुआ है मास्टर गियर इज माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल स्पिंडल एंड द गियर इज टू बी टेस्टेड ऑन अनदर सिमिलर स्पिंडल। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखिए ये मास्टर गियर है और ये गियर अंडर टेस्ट है, इसका देखिए फ्लेंज लगा हुआ है और फ्लेंज के साथ में इंटरकनेक्टेड है आपका डायल इंडिकेटर, और नीचे देखिए फ्लोटिंग कैरेज है, ये कैलिब्रेटेड स्प्रिंग है ये वाला, ठीक है, आगे पीछे होने के लिए एक एडजस्टमेंट के यहाँ पर स्प्रिंग भी लगाया गया है, यह है फिक्स एडजस्टमेंट कैरेज है ये वाला, और ये मास्टर गियर है, गियर अंडर टेस्ट है ये, है ना। दिस गियर्स आर मेंटेन्ड इन मैस बाई स्प्रिंग प्रेशर, है ना। तो स्प्रिंग प्रेशर के कारण से ये क्या होते हैं, आपस में एंगेज रहते हैं दोनों, गियर अंडर टेस्ट और मास्टर गियर। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, अगर ये आगे पीछे होगा, गियर अंडर टेस्ट जो है ये आगे पीछे होगा तो नो डाउट डायल इंडिकेटर भी उसे सेंस करके क्या करेगा, शो करेगा कि ये कितना मूव हो रहा है या किस रेशो में यहाँ पर हमें इरेगुलरिटी यानी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। ओके, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए ये एक प्रैक्टिकली बनाया हुआ है पर्किंसंस गियर टेस्टर। देखिए यहाँ पर एक मास्टर गियर यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए इसको नीचे से देखिए हमने पावर सप्लाई दिया है, ये वायर आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में, और हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, एक मोटर लगाए हैं, 12 वोल्ट का एक मोटर लगाए हैं, और वो मोटर क्या करेगा, मास्टर गियर को रोटेट करेगा, और ये जो गियर है ये गियर अंडर टेस्ट है। ठीक है, तो गियर में अगर किसी भी टूथ में अगर टूथ प्रोफाइल बड़ी है या छोटी है, उसका टूथ प्लेस फ्लैंक में कुछ डिस्टर्बेंस है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा डेफिनेटली, जब मास्टर गियर के साथ में आएगा तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए वो क्या करेगा, लिटिल बिट मूव करेगा। तो मूव करने के कारण से क्या होगा, ये जो मेन जो स्पिंडल है वो भी क्या होगा, आगे या पीछे होगा। तो बस ये जो डायल इंडिकेटर है ये हमें आइडेंटिफाई करवा देगा कि इस पोजिशन पर पर्टिकुलरली कुछ यहाँ पर इररेगुलरिटी हमें देखने को मिल रही है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स में, नंबर ऑफ साइकल्स, हर साइकिल में हमें यहाँ पर कुछ इररेगुलरिटी दिखा रहा है। ओके, तो ये हो गया गियर टेस्टर और ये डायल इंडिकेटर। अब हम देखते हैं कुछ और डायग्राम को, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, प्रैक्टिकली साइकिल का डायग्राम है ये, तो इस डायग्राम के माध्यम से भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पर्किंसन साइकिल्स किस तरीके से काम करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है जो कि एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा जाता है पर्किंसन गियर टेस्टर के बारे में। आइए अब हम अगला डायग्राम देखते हैं, ये एक अगला डायग्राम है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ये देखिए ये एक वर्नियर कैलिपर दो प्रकार के आते हैं, देखिए पहला तो ये एनालॉग टाइप का हो गया, जैसे कि हम मैनुअली आगे पीछे स्लाइड करते हैं, और हम क्या करते हैं मैनुअली इसके रीडिंग को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बट आज के डेट में थोड़ी इसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, और ज़्यादा रिजॉल्व करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले वाले भी गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हमें पॉइंट के 3 डेसिमल तक के वैल्यू हमें शो करते हैं, पॉइंट के 3 डेसिमल तक के हमें वैल्यू को शो करते हैं और बताते हैं कि जो रियल वैल्यू है वो कितनी आ रही है। ओके, तो ये देखिए ये गियर टूथ वर्नियर कैलिपर जो है, यहाँ पर हम किसी भी गियर को हम एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद में हम हर एक एक जो गियर के जो टिथ रहते हैं उसे हम प्रॉपरली हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक पर्टिकुलरली पोजिशन पर रख करके।
और यहाँ पर हम रीडिंग लेते हैं कि क्या रीडिंग आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज, ग्रेड और आर्ट नंबर। तो हर गियर का देखिए एक रेंज रहता है, उसका एक ग्रेड रहता है और एक उसका आर्ट नंबर भी रहता है। तो आर्ट नंबर तो एक उसका नाम हो गया, ग्रेड उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, उसकी स्टैंडर्ड हो गई, और रेंज भी एक तरीके से बोल सकते हैं एक लिमिट होता है कि दो दो पॉइंट्स के बीच में जो वैल्यू होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, गियर टू वर्नियर कैलिपर। ओके, तो देखिए नट यहाँ पर लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अभी नहीं नोट कर पाएंगे इसके वैल्यू को, तो इस नट को हम क्या कर सकते हैं, टाइटली फिक्स भी हम कर सकते हैं ताकि हम बाद में भी इसे हम क्या कर सकें, मेज़र कर सकें, किसी और के साथ में हम कंपेयर कर सकें। ओके, तो ये होता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ये देखिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर इस प्रकार से हम हैंडल करते हैं, इस प्रकार से देखिए इसको नट को हम लूज करके इस प्रकार से हम इसे एंगेज करते हैं, और गियर टूथ का इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके मेजरमेंट करते हैं। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर ये देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम थोड़ा और क्लियर है पिछले डायग्राम से। ये वर्नियर कैलिपर हो गया, ये गियर टूथ वर्नियर, ये वाला ये वर्नियर बी स्केल हो गया, वर्नियर डी स्केल हो गया, ये गियर टूथ है। तो इसके माध्यम से हम सारे वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वर्नियर गियर टूथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो एग्ज़ाम में इसके इसका भी डायग्राम बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके डायग्राम को भी आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, ये देखिए ये भी वही है वर्नियर गियर टूथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए यहाँ पर ये गियर का टिथ है, एक इंडिविजुअल गियर टिथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड विथ वर्नियर स्केल लिखा हुआ है, ये मेन स्केल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लैंपिंग स्क्रू है, ये स्क्रू अगर हम टाइट कर दें तो ये टाइटली फिक्स भी हो जाएगा। ये वर्टिकल साइड है, ओके, एडजस्ट करने के लिए, ये मेन स्केल है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इसको एडजस्ट करके हम मूव कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ मेजरमेंट के लिए। ओके, और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि अगले डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा अगला डायग्राम है, ये हमारा अगला डायग्राम है, मैकेनिज्म है ये। किसी भी गियर को वर्टिकली या टेंजेंशियली अगर मेजरमेंट करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो दरअसल डेरिवेशन है ये हम हमारे नोट्स में और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर बस अभी तो हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बस इसका एक डायग्राम हमने देखा है, और ये पिच लाइन ऑफ द रैक लिखा हुआ है, पिच सर्कल, बेस सर्कल, गियर टूथ फॉर्म इस प्रकार से लिखा हुआ है, रेक फॉर्म लिखा हुआ है, जी सी पी फाई ए डी एफ बी ई जी डी एच। तो इस डायग्राम को हम अपने नोट्स में देख करके ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा गियर का टिथ है। इस टिथ में हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बना बना करके हम क्या कर रहे हैं, पूरे वैल्यूज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या इसके हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके सारे वैल्यूज़। ठीक है, तो इसे हम देख सकते हैं, इसको हम अपने नोट्स में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, ये देखिए डेविड ब्राउन मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम गियर टिथ को हम टेंजेंशियली मेज़र कर सकते हैं। ये इस इंस्ट्रूमेंट को हम थोड़ा सा और अच्छे से हम क्लियर फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से रहता है, ये नॉब को हम रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से भी एडजस्ट होता है। ओके, यहाँ से जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा वो इस नॉब में आपको दिखेगा। इसे हम रैटचेट रोलर हम कहते हैं, या नर्ल्ड थंब रोलर भी कहते हैं हम इसे। ओके, ये लेथ में बनाया जाता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, गियर के मेजरमेंट को हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम अपने नोट्स के माध्यम से हम सारी चीज़ों का जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये पार्किंसन साइकिल है। ये पार्किंसन साइकिल में अब हम देखते हैं, पार्किंसन साइकिल के बारे में शायद आप लोगों ने जानकारी ले लिया है, और इसको अब हम जो है देखते हैं। तो
तो यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पार्किंसंस गियर रोल टेस्टर लिखा हुआ है हेडिंग जो है। अब इसी के आधार से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर गियर अंडर टेस्ट जो लिखा हुआ है, ये मास्टर गियर हो गया, सॉरी ये मास्टर गियर हो गया और ये गियर अंडर टेस्ट हो गया। ये आपका नीचे वाला क्या हो गया, मूवेबल गियर हो गया, सॉरी मूवेबल फ्लेंज हो गया। तो मास्टर गियर जो रहता है उसका एक प्रॉपरली एक अपना एक खुद का साइज होता है, सेफ साइज होता है और ये फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये रोटेट भी करता है। ओके, लेकिन अपनी पोजिशन पर ये फिक्स्ड रहता है। लेकिन ये जो मूवेबल फ्लेंज रहता है, जैसा कि इसका नाम है, ये मूव कर सकता है। और ये इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है, तो आगे पीछे ये क्या होगा, रोटेट होगा। और ये क्या लगा हुआ है, डायल इंडिकेटर लगा हुआ है, और डायल इंडिकेटर के माध्यम से ये बताएगा कि कितने डिग्री में या कितने वैल्यू में आगे पीछे रोटेट हो रहा है। अब ये नीचे क्या है, ये बेस है, ये बेस बना हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस टेस्ट द गियर टू बी टेस्टेड इज एक्चुअली कंपेयर्ड विद हार्डन एंड ग्राउंड मास्टर गियर। द टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए मोस्ट कॉमनली यूज मशीन पार्किंसंस गियर टेस्टर। दिस रिवील्स एरर इन टूथ फॉर्म, पिच एंड कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ पिच सर्कल विच टू गियर्स आर इन मैस विद ईच अदर, देन एनी ऑफ द अबाव एरर्स विल कैज द वेरिएशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस। इट इज इजेंशियल कंसिस्ट ऑफ अ बेस, टू कैरेजेस, वन फिक्सड एंड द अदर मूवेबल आर माउंटेड ऑन द बेस वाइल इन यूज। द फिक्सड कैरेज इज लॉक्ड इन वन पोजिशन, द मूवेबल कैरेज इज स्प्रिंग लोडेड टूवर्ड्स द फिक्सड कैरेज। टू स्पिंडल्स आर माउंटेड इन अ पैरल प्लेन ऑन ईच कैरेज एंड दिस आर मेड टू सूट द बेयर ऑफ द गियर्स। ए स्केल इज अटैच्ड टू वन कैरेज एंड वर्नियर्स टू द अदर। दिस एनेबल सेंटर डिस्टेंस टू बी मेजर्ड विद इन 0.025 mm। द डायल इंडिकेटर ऑन द राइट कॉन्टैक्ट द राइट एंड एंड द स्लाइडिंग कैरेज एंड देयर फोर इंडिकेट्स एनी रेडियल वेरिएशंस ऑफ द गियर अंडर टेस्ट एज द गियर्स आर रोटेटेड। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्पिंडल्स इज एडजस्टेड टू बी इक्वल टू द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मास्टर गियर्स एंड द गियर टू बी टेस्टेड बाई स्लिप गेजेस। ए डायल गेजेस, मतलब कि यहाँ पर जितना भी ये डेफिनेशन में जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही सरल इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये यही लिखा हुआ है जिस चीज़ को हम यहाँ पर समझे हैं कि मास्टर गियर रहता है और एक उसका एक रेप्लिका रहता है, जिसे कि हम टेस्ट करना रहता है गियर अंडर टेस्ट, और उसी के ही आधार से हम क्या करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसे समझने में हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो लिखा हुआ है डायल गेजेस इज, आगे बढ़ते हैं इसमें, ए डायल गेजेस इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट द मूवेबल कैरेज एंड इट्स रीडिंग इज सेट एट जीरो एट दिस टाइम। द मास्टर गियर इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल ऑन फिक्स्ड कैरेज एंड गियर टू बी टेस्टेड ऑन मूवेबल कैरेजेस। द गियर्स व्हेन इन मैस आर देन रोटेटेड बाई हैंड एंड द वेरिएशंस इन द डायल गेजेस रीडिंग्स आर ऑब्जर्व। If the deviation falls outside the set limit, then the gear is rejected or reworked depending on the amount of deviation. This test consumes which much less time and gives quite accurate result. तो ये gear testing का ऐसा नहीं है कि बस एक ही method है, और भी बहुत से method है, but ये one of the popular method है। और देखिए यहाँ पर और भी छोटे छोटे points हैं इसी Parkinson cycles के under में ही। ये देखिए पहला लिखा हुआ है caudal थिकनेस, तो लिखा हुआ है कॉर्डल थिकनेस इज डिफाइंड एज द टूथ थिकनेस मेजर्ड एच पिच सर्कल ऑफ द गियर टूथ। तो ये कॉर्डल थिकनेस क्या होता है, एक ऐसा थिकनेस होता है जो कि टूथ के थिकनेस को मेजर करते हैं, जहाँ पर कि पिच सर्कल बना हुआ रहता है किसी भी गियर टूथ का, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डल थिकनेस कहते हैं। कॉन्स्टेंट कॉर्ड किसे हम कहते हैं, कॉन्स्टेंट कॉर्ड हम कहते हैं, कॉन्स्टेंट कॉर्ड इज डिफाइंड एज द कॉर्ड ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स ऑन अपोजिट फेस ऑफ द टूथ विच मेक्स कॉन्स्टेंट विद द मेटिंग टिथ वेन द सेंटर लाइन ऑफ द टूथ लाइज ऑन द लाइन ऑफ द गियर सेंटर। तो ये कॉन्स्टेंट कॉर्ड को भी हम समझ लेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंट कॉर्ड जो रहता है, ये जो कॉर्ड ज्वाइनिंग होता है किसी भी पॉइंट पर अपोजिट फेसेस से, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कॉर्ड कहते हैं, और सेंटर लाइन से भी जो कि अटैच रहता है। ओके,
अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला जो हेडिंग है, देखिए वर्नियर गियर टूथ कैलिपर एंड लेबल इट्स मेन पार्ट, एंड लेबल इट्स मेन पार्ट्स लिखा हुआ है। द कॉर्डल थिकनेस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस, और में लिखा हुआ है वन मेथड ऑफ गियर फॉर्म चेकिंग, लिखा हुआ है गियर टूथ डायरेक्ट मेजरमेंट फॉर चेकिंग द शेप ऑफ द गियर टूथ इज डन बाई टू मेथड्स बाई मेजरिंग। तो यहाँ पर अगला जो हेडिंग है, देखिए ये जो डायग्राम हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में, तो उसी डायग्राम के ऊपर में ही है वर्नियर गियर टूथ कैलिपर। तो इसका डायग्राम को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम थ्योरी देखेंगे। तो ये इसका डायग्राम हो गया है, ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया गियर टूथ कैलिपर। ओके, तो ये डायग्राम एग्जाम में आता है, तो इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके रखना है। देखिए यहाँ पर ये रैचेट नट है, इस रैचेट नट को अगर आप आगे पीछे अगर लूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ का ये देखिए ये गियर टूथ को ये होल्ड किया हुआ है, ये आगे पीछे क्या होगा, एडजस्ट होगा। ये वाला भी जो है ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट होगा, और ये वाला जो है ये अप डाउन होगा। ओके, गियर टूथ कैलिपर। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, पढ़ करके भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कॉर्डल थिकनेस सेकंड पॉइंट है, कॉर्डल कॉर्ड और बोथ द मेथड्स एम्प्लॉय ए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ओके, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे, कॉर्डल थिकनेस और कॉन्स्टेंट कॉर्ड के बारे में। अब यहाँ पर लिखा हुआ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉर्ड थिकनेसेस, लिखा हुआ है फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉर्डल थिकनेस द टोंग ऑफ द गियर टिप वर्नियर इज सेट सो दैट द जॉ टिप्स विल टच द टूथ फ्लैंक्स एट द पिच सर्कल। द सेटिंग इज ऑब्टेंड बाई ट्रायल एंड इरर एंड बाई ऑब्जर्विंग द अप्रॉक्सीमेट टाइटनेस ऑफ द टू जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑन द टूथ फ्लैंक। द हॉरिजॉन्टल स्केल प्रोवाइड्स द कॉर्डल थिकनेस डब्ल्यू एंड द वर्टिकल स्केल द कॉर्डल एडेंडम डी दैट इज आई डॉट ई डॉट, जिसे हम दैट इज भी कहते हैं, द रेडियल डेप्थ ऑफ द टूथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द कॉर्ड। द वैल्यूज ऑब्टेंड आर वेरीफाइड विद द वैल्यूज प्रोवाइडेड। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। टेबल ऑफ कॉर्डल थिकनेस कैलिपर सेटिंग और विद द कैलकुलेटेड थियोरिटिकल वैल्यूज। तो यहाँ पर बस वही चीज़ लिखा हुआ है जिसको कि हमने ओरली हमने समझा है, ये आगे पीछे और ऊपर नीचे मूव होता है, और हमें एडजस्ट करके ये दोनों की रीडिंग को देखना है, और हमें कंपेयर करना है बाकी के टिथ से भी। जैसे एक ही गियर में बहुत से टिथ रहते हैं, नंबर ऑफ टिथ रहते हैं, तो बाकी के टिथ को भी हमें एक रैंडमली हमें मेज़र करना है। जैसे नंबर वन के टिथ को हमने मेज़र किया, फिर नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 12 ऐसा करके 13, तो इस प्रकार से हमें क्या करते जाना है, मेज़र करते जाना है। तो उसके बाद में हमें क्या देखने को मिल सकता है, इसमें कंपैरिजन करके हम आसानी से हम इसे देख सकते हैं। ओके, कि कौन से गियर और किस में कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब अगला अब हम हेडिंग देखते हैं, द कॉन्स्टेंट कॉर्ड मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस, लिखा हुआ है द मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस एट कॉन्स्टेंट कॉर्ड सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम फॉर ऑल नंबर ऑफ टिथ। इफ एन इन्वॉल्यूट टूथ इज कंसिडर्ड सिमेट्रिकली इन क्लोज मैस विथ अ बेसिक रैक फॉर्म देन इट विल बी ऑब्जर्व दैट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ टिथ फॉर अ गिवन साइज ऑफ टूथ फॉर द सेम मॉड्यूल द कॉन्स्टेंट। ये देखिए ये जो हमने एक डायग्राम देखा था उसी डायग्राम के ऊपर में ही ये पूरा का पूरा लिखा हुआ थ्योरी, इसको और पढ़ लेते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ टिथ फॉर अ गिवन साइज ऑफ द टूथ फॉर द सेम मॉड्यूल द कॉन्स्टेंट ऑलवेज ऑकर्स एट टू फिक्सड पॉइंट्स ए एंड बी, दिस ए एंड बी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट कॉर्ड। द वैल्यूज ए बी एंड इट्स डेप्थ फॉर्म द टिप वेयर इट ऑकर्स कैन बी कैलकुलेटेड एंड वेरीफाइड बाई एन इंस्ट्रूमेंट अनलाइक द कॉर्डल थिकनेस मैथड। द एडवांटेजेज ऑफ दिस मैथड इज दैट फॉर ऑल नंबर ऑफ टिप ऑफ द सेम मॉड्यूल द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट कॉर्ड इज द सेम। इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट कॉर्ड इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल गियर्स ऑफ अ मैसिंग सिस्टम। द सेकेंडली इट रियली लेट्स टेंड्स इट सेल्फ टू ए फॉर्म ऑफ कंपैरेटर विच इज मोर सेंसिटिव देन द गियर टूथ वर्नियर। यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसी डायग्राम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि गियर का एक टूथ है, और टूथ में देखिए ये एक टेंजेंट बनाया है, और ये एक टेंजेंट को बनाया गया है। ये देखिए ऊपर में ये सी क्लियरेंस बताया गया है, ये टेंजेंट जो देखिए टच कर रहा है इसे ए नाम दिया है, यहाँ पर ये टेंजेंट को बी नाम दिया है, यहाँ से एक
लाइन को ड्रॉ किया गया, और देखिए ये जो एक इमेजिनरी सर्कल हमने बनाया है जी एफ जी, ठीक है, उसमें उसके टिप में हमने एक टेंजेंट बनाया है डी ई, ठीक है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचा है। अब ये वाला जो ए बी वाला जो लाइन है, इसको हम टॉप से अगर डिस्टेंस लें तो इसे डी बोल रहे हैं, और डी के नीचे ये बी से लेकर के ई का जो डिस्टेंस है इसे हम एच बोल रहे हैं। ये हो गया रैक फॉर्म, ये हो गया पिच लाइन ऑफ द रैक, पिच सर्कल हो गया, ये पिच लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, पिच सर्कल हो गया। गियर टूथ फॉर्म हो गया, ये वाला जो ओरिजिनल लाइन है, ये बेस सर्कल हो गया, ये देखिए इसका जो एक सेंटर लाइन जो आ रहा है उसमें उसके रिस्पेक्ट में एक गियर टूथ का जो एंगल होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, पाई से हम डिनोट करेंगे। ओके, तो ये डायग्राम को जब आप बनाएंगे तो इसकी टर्मिनोलॉजी और ज़्यादा आपको क्लियर होगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम इसके मैकेनिज्म के बहुत से हम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए पी डी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू आर्क पी एफ, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पी डी और पी क्या है, ओके पी डी और पी ई, तो ये पिच है पी पी, यहाँ पर शायद होना चाहिए, ये शायद मिस हो गया है, तो यहाँ से पी डी इक्वल्स टू पी ई इक्वल्स टू आर्क पी एफ, ओके, तो इस इक्वल्स टू आर्क पी एफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है, तो ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट की जो दूरी है वही पॉइंट यहाँ से लेकर के दूरी यहाँ तक के, मतलब पी डी और पी ई, ये पी जो है सेंटर पॉइंट है वो बराबर है, और पी एफ भी बराबर है, जो आर्क पी एफ है वो भी पी डी और पी ई के बराबर है, ये लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से आगे अगर आप कंपेयर करते जाएंगे तो 1/4 इंटू सर्कुलर पिच, इसी प्रकार से अगर कंपेयर करते हो, अगर इसके मैकेनिज्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंस लाइन ए पी इज द लाइन ऑफ एक्शन दैट इज इट इज टेंजेंशियल टू द बेस सर्कल, लिखा हुआ है एंगल सी ए पी इक्वल्स टू फाइव, ओके, इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी ए सी, ए सी इक्वल्स टू ए पी कॉस फाइव इक्वल्स टू पाई बाई फोर एम कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव इक्वल्स टू पाई बाई फोर एम कॉस स्क्वायर फाइव, सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कॉर्ड इक्वल्स टू टू ए सी टू इंटू पाई बाई फोर एम कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू पाई बाई टू एम कॉस स्क्वायर फाइव, फिर फाइव इक्वल्स टू प्रेशर एंगल फॉर हेलिकल गियर कॉन्स्टेंट कॉर्ड पाई बाई टू एम एन कॉस स्क्वायर फाइव एन, वेयर एम एन इक्वल्स टू नॉर्मल मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल ऑफ कटर यूज एंड फाई एन इक्वल्स टू नॉर्मल प्रेशर एंगल, नाउ पी सी इक्वल्स टू ए पी साइन फाई इक्वल्स टू फाई बाई फोर एम कॉस फाई साइन फाई, डी इक्वल्स टू एडेंडम इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू एम माइनस फाई बाई फोर एम कॉस फाई साइन फाई इक्वल्स टू एम इंटू वन माइनस फाई बाई फोर कॉस फाई साइन फाई, फॉर हेलिकल गियर डी इक्वल्स टू एम एन इंटू वन माइनस फाई बाई फोर कॉस फाई एन साइन फाई एन, ऑल्सो द हेलिकल ऑफ ए बी अबव पिच लाइन इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पाई एम बाई फोर साइन फाई कॉस फाइव इक्वल्स टू पाई एम बाई एट साइन टू फाइव। तो इस प्रकार से जो देखिए सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है कि कॉर्डल डिस्टेंस क्या होगा, हेलिकल ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉर्ड मेथड को भी मैं यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है कि चाप करणीय मापन विधि क्या होता है, तो द कॉन्स्टेंट कॉर्ड मेथड इज प्रिफर्ड इन प्लेस ऑफ कॉर्डल थिकनेस मेथड बिकॉज इट इज सिंपल एंड टेक्स लेसर टाइम सिंस द कॉर्डल थिकनेस एंड कॉर्डल एडेंडम आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ टिप। द कॉर्डल थिकनेस मेथड इन्वॉल्व सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ गियर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टिप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉर्डल जो मेथड है उसको थिकनेस को मेजर करने का बहुत ही सिंपल है, और इसे हम एडेंडम और डेप्थ गियर के डेप्थ के आधार से हम इसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एडेंडम जो है मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो पिच लाइन के ऊपर का जो सरफेस रहता है, हिस्सा रहता है, उसे हम एडेंडम कहते हैं, और पिच सर्कल के नीचे का जो हिस्सा रहता है उसे हम डिडेंडम कहते हैं। तो ये एडेंडम से एडेंडम और डेप्थ का जो रिलेशन है उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉर्ड थिकनेस कहेंगे। अब हम आगे अगर देखते हैं तो ये लिखा हुआ है द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग द गियर टूथ फॉर्म, गियर टूथ को मापने की विधि, पहला है डायरेक्ट मेजरिंग मेथड, कॉर्डल थिकनेस मेथड, कॉन्स्टेंट कॉर्ड मेथड, तो ये है टूल रूम माइक्रोस्कोप और प्रोजेक्शन मेथड, डेविड ब्राउन गियर टूथ फॉर्म टेस्टिंग मेथड, टेंजेंशियल गियर टूथ कैलिपर, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द एडवांटेजेस ऑफ डेविड ब्राउन गियर टूथ टेंजेंट माइक्रोमीटर, डेविड ब्राउन गियर टूथ की खासियत, यहाँ पर पहला पॉइंट है ओनली वन मेजरमेंट नीड to be made and this is independent of outer diameter of the gear. More rapid gauging can be done and it will give without reed adjustment
रीएडजस्टमेंट ए डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट बाई विच द मेजर्ड थिकनेस डिफर्स फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू द लिमिट फिंगर्स ऑफ द इंडिकेटर्स कैन बी सेट टू द अलाउबल टॉलरेंस फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ गियर द मेजरमेंट इज नॉट मेड फॉर द विद एन एज ऑफ द मेजरिंग जॉ फॉर बट विद द फेस इनवॉल्यूट इनवॉल्यूट इज द लोकस ऑफ द एंड ऑफ ए थ्री इमेजनरी अनवोन्ड फ्रॉम द बेस सर्कल। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है, समझा है, तो डेविड ब्राउन को भी हमने देख लिया था डायग्राम में कि वो दो उसमें कटिंग्स बने रहते हैं, उन कटिंग्स के बीच में जो भी वैल्यूज़ आती हैं गियर्स की उसे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उसमें रेडचेट एक रोलर जैसा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है बेसिकली नोट्स बना करके चलिए, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है इस लेक्चर में इसका आप अच्छे से डायग्राम के माध्यम से, और अगर आप बनाएंगे तो और इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं ये सब, और इसके लिए आप जो है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं। और डेविड ब्राउन मेथड ये हमने पढ़ा है, इसका डायग्राम भी है हमारे पास में। ये है डेविड ब्राउन मेथड। ये दो मतलब गियर्स के कुछ टिथ को हम क्या करते हैं आपस में हम इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं और उनके हम डिस्टेंस को और उसके बेस सर्कल को ये सारी चीज़ों को हम मेज़र करते हैं विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला। तो बेसिकली एग्ज़ाम में बस ये डेविड ब्राउन मेथड का आपको बस डायग्राम ही बनाने के लिए आएगा, उसके अलावा और शायद कुछ भी नहीं पूछता। ये डेविड ब्राउन मेथड का है, ये डेविड ब्राउन मेथड है, ये रेडचेट रोलर हो गया, ये स्केल हो गया है ना, ये रोटेट करने से स्केल आगे पीछे होता है और स्केल की भी रीडिंग हमें दिखती है। ओके, तो ये देखिए फार्मूला है, एन एम कॉस फाई ब्रैकेट में है कॉस फाई थीटा माइनस फाई बाई टू माइनस फाई बाई टू माइनस फाई, ये इस प्रकार से है, थोड़ा ब्लर है ये इमेज बट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी नोट्स के माध्यम से। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही जानकारी लेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।